गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एडेप्टिव रेडिएशंस इन बॉनीफिश। अस्थल मछलियों में जो एडेप्टिव रेडिएशंस हैं, यानी अनुकूली विकिरण हैं, उनका अध्ययन करेंगे। एडेप्टिव रेडिएशंस इन बॉनीफिश, बॉनीफिशेस शो एडेप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन अप टू ए ग्रेट एक्सटेंट। जो बॉनीफिश हैं वह है इवोल्यूशन का एक इस प्रकार का नजारा पेश करती हैं, प्रस्तुत करती हैं कि उनमें इतनी ज्यादा विविधता पाई जाती है कि वो हर जगह धरती के हर एक्वेटिक आवास में पाई जाती हैं और उनमें रंग रूप उनकी प्रजातियों में इतनी ज्यादा विविधता है कि उनके अंदर ये एक अद्भुत वर्टिब्रेट है। वो बॉनीफिशेस प्रोबेबली एक्सीड 20,000 स्पीसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। बॉनीफिशेस की पूरे संसार में 20,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। देयर अवंडेंस एंड डाइवर्सिटी इज अनइक्वल्ड अमंग ऑल अदर वर्टिब्रेट्स। उनकी जो अवंडेंस है, उनकी बहुलता है और डाइवर्सिटी या विविधता है, वह किसी दूसरे वर्टिब्रेट से के बराबरी नहीं है। वो बहुत ज्यादा उनमें बहुलता और विविधता पाई जाती है। मॉडर्न बॉनीफिशेस हैड देयर ओरिजिन एज लॉन्ग एज 200 मिलियन ईयर्स and the Triassic period when the major groups of bonifaces firmly established. As modern jo bonifish hain wo lagbhag 200 million saal pehle is dharti par Triassic period ke andar originate hui thi. Diversity of bonifaces. The ray-finned fishes are extraordinarily diverse in the terms of body form, color, habitat and behavior and so forth. इनमें बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है, रंग रूप आकार व्यवहार और आवास में विविधता पाई जाती है। एक एक विविधता को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डाइवर्सिटी इन स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज। तो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, तो बॉनीफिशेस इंक्लूड मोर देन 2000 स्पीसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड इनहिबिटिंग लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, डिचेस, स्प्रिंग, ओशियन एंड मराइन, कंस्टिट्यूटिंग 90% ऑफ द लिविंग फिश। जो आज की तारीख में पाई जाती है उनका 90% भाग तो बॉनीफिश बनाती है और वो हर एक्वेटिक आवास में पाई जाती है। इनकी जो जेनेरा है, द टिलियोस्ट कंप्राइजेस एटलीस्ट 27 डिफरेंट ऑर्डर्स एंड 390 फैमिलीज, द मेजोरिटी ऑफ विच आर मराइन। ज्यादातर उनमें से मराइन है और इतनी स्पीसीज और इनकी फैमिलीज है। दे आर एंशियंट एंसेस्ट्री एक्सटेंडिंग टू द पास्ट फ्रॉम द 500 मिलियन ईयर्स एज अलाउड ए वास्ट स्पान ऑफ टाइम फॉर इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस। 500 मिलियन ईयर्स से लेकर के और आज तक इनमें इतना ज्यादा इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस हुआ है कि वो इनमें बहुत ज्यादा विविधता आ गई है। नाउ द डाइवर्सिटी इन शेप एंड साइज, उनके आकार और आकृति में कितना विविधता होती है, बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। बॉनीफिशेस हैव एक्सपीरियंस्ड वेरियस इवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस इन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में भी उनमें विविधता पाई जाती है। कॉमनली दे हैव द टॉर्पीडो शेप्ड और फ्यूजीफॉर्म्ड, ज्यादातर वो फ्यूजीफॉर्म होती है क्योंकि उनके जब फ्री स्विमिंग होती है, द बॉडी अप्रोक्सीमेट थियोरेटिकली परफेक्ट द स्ट्रीम लाइन टू फॉर्म रिड्यूस द वाटर प्रेशर ड्यूरिंग स्विमिंग। जब वो स्विम करते हैं तो पानी का जो प्रेशर है उसको मिनिमाइज करने के लिए उनकी फ्यूजीफॉर्म बॉडी पाई जाती है। ऑल्दो दे हैव ए वास्ट वैरायटी इन शेप एंड साइज, और फिर भी उनकी शेप और साइज बहुत ज्यादा वैरायटी पाई जाती है। दीज रेंज फ्रॉम द ग्लोब शेप, वो ग्लोब शेप भी हो सकती है जैसे कि पफर फिश, टेट्राडॉन फिश, सर्पेंटाइन जैसे कि एंगुला फिश, ईल, थ्रेड लाइक फिश जैसे कि स्नाइप ईल, स्ट्रॉन्गली फ्लैटेंड जैसे कि प्लूरोनेक्टिस, इररेगुलर शेप जैसे कि हिप्पोकैम्पस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 1.2 सेंटीमीटर टू ए लार्ज लंग फिशेस एंड 2 मीटर लॉन्ग लंग फिशेस। ओशियन सैन फिश वेइंग ओवर 2 tons and of the body weight. They may be butterfly sea moth, Pagasius eumetangu, a rare giant oarfish, Regalicus glisne, 7 meter or 23 feet long, captured in 1996. ये सबसे बड़ी मछली इन पकड़ी गई थी। अडैप्टिव रेडिएशन को चित्र द्वारा हम परिभाषित देखें तो इसमें देखिए एक कॉमन एक बॉनीफिश है, जिस बॉनीफिश से कॉमन एंसेस्टर से इतने आवासों में रहने के कारण अलग अलग प्रकार की मछलियां बन गई। जैसे स्टर्जियन बन गई, ये लेटिमेरिया बन गई जिसे लोब्ड फिन कहते हैं, ये लुई लेवियो बन गई जिसको बहुतायत में पॉपुलेशन खाती है, इसको ह्यूमन पॉपुलेशन खाती है इसको भोजन के रूप में। ये बॉम्बे डक है, ये समुद्री मछली है। इसमें ये इसके लंग फिश है जिनमें लंग्स डेवलप हो जाते हैं गिल्स के अलावा। ये फ्लैट फिश है जो डोर्सो वेंट्रली बाइलेटरली फ्लैटेंड होती है
और ये हॉर्स सी हॉर्स है जो एकदम खड़ा तैरता है, सीधा माउथ के घोड़े जैसा इसका माउथ होता है और पूंछ इसकी जैसे प्रीहेंसाइल होती है और इस प्रकार से खड़ा तैरता है पानी के अंदर। ये मराइन होता है टोटली। ऑस्ट्रिशियन है जिसे कफर फिश कहते हैं, ये तिजोरी मछली कहते हैं, बिलोंग है, स्कॉर्पियन फिश है, इस प्रकार की विविधता इनके अंदर पाई जाती है। अगर बोनी फिश का एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में चर्चा करें तो ये चार ग्रुप, इनसे बोनी फिश का जो एंसेस्टर था उससे चार ग्रुप बने। एक्टिनोप्टेरिजी जिन्हें रे फिन फिश कहते हैं, उस रे फिन फिश को पुनः फिर तीन सबऑर्डर्स में बांटा गया है, कॉन्ड्रोस्टियाई जैसे कि स्टर्जियन, होलोस्टियाई जैसे कि गार, लेपिडोस्टियस एंड टिलियोस्टियाई जैसे कि लेवियो कटला। लोब्ड फिन जो फिश होती है जैसे क्रॉसोप्टेरिजी लैटिमीरिया, उसके बहुत ही कम रिप्रेजेंटेटिव बचे हैं, लेकिन ये भी एक अलग प्रकार का एक अलग लाइन है जिससे बोनी फिश इस प्रकार की पाई जाती है। कुछ लंग फिश में बदल गई, लंग फिश में एक डिस्कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है, एक अफ्रीका में पाई जाती है, एक अमेरिका में पाई जाती है और एक ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इतनी ज्यादा दूर दूर इनके जेनेरा पाए जाते हैं कि उनका डिस्कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ये साबित करता है कि उनकी ओरिजिन तो एक साथ हुई होगी लेकिन जियोग्राफिकल आइसोलेशन के कारण वो अलग अलग हो गई और लंग्स के द्वारा इनका जो एयर ब्लैडर वो लंग्स के द्वारा रेस्पायर करता है। सार्कोप्टेरिजी जैसे कि सिलोगेंथिनी, इनमें सार्कोप्टेरिजी आती है। नाउ डाइवर्सिटी इन हैबिटेट, आवासों में विविधता किस हद तक पाई जाती है। बोनी फिशेज लिव इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट्स, फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन, सभी मराइन और फ्रेश वाटर सभी आवासों में पाई जाती हैं। बोनी फिशेज हैव एक्सपीरियंस्ड वेरियस इवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस इन फिजियोलॉजी टू लिव ए वाइड रेंज ऑफ इकोलॉजिकल हैबिटेट विद डाइवर्स टेम्परेचर लेवल्स, अलग अलग परिस्थिति की जो हैबिटेट हैं उनमें रहने के लिए उनमें वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेंस पाई जाती है और वो सभी प्रकार की अडेप्टेबिलिटी उनके अंदर पाई जाती है। डाइवर्सिटी इन लोकोमोशन, फिशेज आर एबल टू मूव थ्रू वाटर कॉजिंग ऑलमोस्ट नो टर्बुलेंस, जब वो तैरती हैं तो उनमें किसी प्रकार का कंपन नहीं होता, किसी प्रकार का हलचल नहीं होती, आराम से वो तैर सकती हैं। बोनी फिशेज में स्विम, वॉक, फ्लाई और मे बी इमोबाइल, ये स्विम भी कर सकती हैं, वॉक भी कर सकती हैं, फ्लाई भी कर सकती हैं, पानी के ऊपर ग्लाइड कर सकती हैं और इमोबाइल भी होती हैं। जैसे दे हैव वेरियस टाइप ऑफ फिन सपोर्टेड बाई फिन रेस और फ्लैप्स, लोब्ड फिन, लेटिमेरिया जैसे कि लेटिमेरियम होती हैं, फैटी एडिपोज फिन जैसे कि सालमन और ट्राउट्स में होती हैं, फिन रिड्यूस टू ए फ्यू स्पाइन जैसे कि स्टिकल बैक में तीन कांटे होते हैं उनमें फिन की जगह पर, वॉक ऑन लैंड विद द लिम लाइक फिन्स जैसे कि लंग फिश हैं उनके अंदर वो लिम्ब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, म्यूकस कोटेड स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ फिशेज रिड्यूस विस्कस ड्रैग इन वाटर, पानी के दबाव को कम करने के लिए उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। सम आर पैसिव ट्रेवलर्स लाइक इकिनीस, रिमोरा एक्जोसिटस ग्लाइड ओवर द वाटर, कुछ मछलियां पानी के ऊपर भी उड़ान भर सकती हैं हल्की फुल्की, उनके पेक्टोरल फिन विंग्स में बदल जाते हैं। डाइवर्सिटी इन फूड एंड फीडिंग, फूड और फीडिंग में कितनी डाइवर्सिटी होती है। बोनी फिशेज दे हैव फीड ऑन द नियरली ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, हेरिंग्स स्क्लूपिया एरिंगस है, इन नॉर्थ सी फॉलो प्लैंकटन कंसेंट्रेशन, ये क्लूपिया हेरिंगस तो प्लैंकटन कंसेंट्रेशन को फॉलो करती है, जहां पर प्लैंकटन कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है वो वहां पर ये ज्यादा पाई जाती हैं, और मैकरल्स या स्कम्बर्स वो इन क्लूपिया हेरिंगस को फॉलो करती हैं क्योंकि ये उनका भोजन होती हैं। तो बोनी फिशेज मे बी हर्बीवोर, कार्निवोर और मे बी ओमनिवोर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड, तो फूड क्वालिटी है उसके आधार पर वो शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी हो सकती हैं। इनका भोजन में जनरली फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल इंसेक्ट, क्रस्टेशियन लार्वी एंड स्मॉल फिशेस आर द मेन फूड सोर्स इन देम। सम ऑफ द बोरेसिस फीडर लाइक गैम्बुसिया एफिनिस फीड ऑन द मॉस्किटो लार्वी। नाउ डाइवर्सिटी इन बॉडी कलर, बॉडी कलर के में भी ये इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल इनमें कलरेशन पाया जाता है कि बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी मछलियां पाई जाती हैं। ये एक्वेरियम में जो ऑर्नामेंटल फिश है उनके अंदर एक्वेरियम में भी काम में आती है। बोनी फिशेज एग्जिबिट ए ह्यूज वैरायटी ऑफ ब्यूटीफुल कलर्स, दे आर ऑफ ग्रे कलर जैसे कि लेवियो कटला, दे आर मॉटल्ड ग्रीन जैसे कि ओरिएंटल शूटलिप की फिश, ये प्लेक्टोरिंकस बिटेटस रेड इन बेटा, येलो फिश, टैंग फिश एंड ग्रीन कार्प और ग्रास कार्प, टिनोफेरिंगोडोन इडेला, पिंक कलर गुरामी फिशेज और सिचिलिड फिशेज, ब्लू कलर बेटा फिशेज, स्काई ब्लू कलर ब्लू टैंग फिश एंड ऑरेंज गोल्ड फिश, वॉयलेट पर्पल बेटा फिश एंड द सो मेनी ब्यूटीफुल कलर्स स्ट्रिप्ड कलर्स एमेलॉन एंड साइरस आर देयर।
ये इस प्रकार का इनमें कलरेशन पाया जाता है। ये बहुत सारी बोनीफिशेज हैं जिनमें विभिन्न प्रकार का कलरेशन पाया जाता है। ये सालमन है और ये लेवियो हैं, ये लंगफिश है और ये हिपोकैम्पस है और ये सिंगनेथस है। ये दूसरी शार्क हैं, ये स्कॉर्पियन फिश है, ये समुद्री घोड़ा और ये दूसरी फिश। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की ये फिशों में कलरेशन, इनमें इसकी शेप और साइज में इतना ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। ये ट्यूनास हैं, ये ट्यूनास के अंदर ये जो पॉइंटेड फिन पाई जाती हैं ट्यूनास के अंदर। डाइवर्सिटी इन फिन, बोनी फिश है बोथ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स। अनपेयर्ड फिन में डॉर्सल, कॉडल, एनल एंड वेंट्रल एंड पेयर्ड फिन में पेक्टोरल और पेल्विक फिन पाए जाते हैं। दे डिफर फ्रॉम द लोड फिन फिश दैट इन द कंसिस्ट ऑफ वेव ऑफ स्किन सपोर्टेड बाय द स्पाइन और रेज मेड अप ऑफ बोन्स। द फर्स्ट डॉर्सल फिन इज मॉडिफाइड एंड कुछ मछलियों के अंदर जो फिन है वो मॉडिफाई हो जाते हैं, जैसे कि इकिनिस या सकर फिश या रिमोरा के अंदर जो फर्स्ट डोर्सल फिन है वो सकर के अंदर मॉडिफाई हो जाता है। स्टिकल बैक के अंदर जो डोर्सल फिन है वो स्पाइन में मॉडिफाई हो जाते हैं। बिटरलिंग के अंदर जिसे रोडियस कहते हैं उसमें वेंट्रल फिन जो है वो ओवोपोजिटर के रूप में यानी स्पर्म को डिपोजिट करने में या के रूप में मॉडिफाई हो जाता है। पेक्टोरल फिन मॉडिफाइड विंग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि उसमें फॉर ग्लाइडिंग में एक्जोसीटस के अंदर ये ग्लाइडिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे ग्लाइड कर सकते हैं। ये एक्टिनोटेरिजी जो सबसे बड़ा ग्रुप है बोनीफिश का, एक्टिनोटेरिजी है, उसके अंदर उनको ये तीन इंफ्रा क्लास है, कॉन्ड्रोस्टियाई, होलोस्टियाई और टेलियोस्टियाई। टेलियोस्टियाई इनमें सबसे बड़ा इंफ्रा क्लास है जिसमें सबसे ज्यादा ऑर्डर्स पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा फैमिली, नंबर ऑफ फैमिलीज पाई जाती हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की मछलियां हैं जो बोनीफिश हैं। इसके बाद डाइवर्सिटी इन सेंस ऑर्गन्स, इनके सेंस ऑर्गन्स में डाइवर्सिटी पाई जाती है। बोनीफिशेस एंड दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी सिस्टम्स इंक्लूडिंग विजन, हियरिंग, कीमोरेसेप्शन, इलेक्ट्रोरेसेप्शन एंड लेटरल लाइन सेंसेशन एंड सो फोर्थ। इनमें इनके संवेदांग विभिन्न प्रकार के होते हैं। लाइट लेवल डिक्रीजेस एज वाटर डेप्थ इंक्रीजेस। लाइट लेवल, इनका जो विजन है वह कम होता जाता है बोनीफिशेस में, जैसे जैसे हम समुद्र के नीचे जाएंगे वैसे वैसे इनका विजन कम होता जाएगा। ए ग्रेट स्टडी एक्सप्लोर द राइज और फॉल ऑफ ऑप्सिन जीन्स इन द 59 एक्टिनोप्टेरिजी एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज ऑप्सिन जीन मॉडिफिकेशन फॉर एनवायरमेंटल एडेप्टेशन। एनवायरमेंटल एडेप्टेशन के लिए जो ऑप्सिन और रोडोप्सिन होता है आंखों का कलर, ये पिगमेंट होता है जो विजन पिगमेंट होता है वह उनमें विभिन्न प्रकार का पाया जाता है, इसके कारण इनमें बोनीफिश में विविधता पाई जाती है। डाइवर्सिटी इन हैविंग स्पेशल ऑर्गन्स, कुछ बोनीफिश ऐसी होती हैं जिनके अंदर स्पेशल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक ईल है जिसमें विभिन्न प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए और अपनी सुरक्षा करने के लिए इनमें पाया जाता है। कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर लाइट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स इनके अंदर पाए जाते हैं। कुछ कोस्टल फिशेस हैं जैसे कि एनोमोला एप्पा, स्केप्ट्रोन एंड फोटोब्लिफेरोन, पल्पेबेट्राकस एंड पॉलिप्थिक्स पजेस द लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। एम्फिबियस कुचिया एक ऐसी फिश है जो साउंड प्रोड्यूस करती है और एयर ब्लैडर के कारण उनमें साउंड प्रोड्यूस होता है। इक्थायोटॉक्सिज्म, कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो टॉक्सिक पदार्थ सिक्रेट करती हैं यानी कि पॉइजन सिक्रेट करती हैं, उनको एक ऐसी फिशों को पॉइजनस फिश कहते हैं और फिश में पॉइजन का पाया जाने की जो फिनोमिनन है उसे इक्थायोटॉक्सिज्म कहते हैं। एटलीस्ट 1000 स्पीसीज ऑफ फिशेज आर थॉट टू बी विनोमस, लगभग 1000 प्रजातियों में ये विनम पाया जाता है। एंड टॉक्सिन विद इन द स्किन जैसे कि स्क्रोम्बॉइड, जैम्पिलीड एक्सेट्रा, टॉक्सिन इन ग्लैंडुलर सिक्रेशन, बॉक्स फिश, ट्रंक फिश एंड दे में प्रोड्यूस टॉक्सिन इन देयर स्किन। बॉक्स फिश जैसे कि टेट्राडोन ऑस्ट्रोशियन कहते हैं वह पॉइजनस फिश होती है, उसके अंदर स्किन में पॉइजन पाया जाता है। डाइवर्सिटी इन एयर ब्लैडर, जो मछलियों के एयर ब्लैडर होते हैं जैसे कि एयर ब्लैडर और गैस ब्लैडर जो जिसमें अराइजिंग फ्रॉम द डॉर्सल आउटग्रोथ फ्रॉम द गट इन मोस्ट ऑफ द बोनीफिशेस, दे मे बी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस इन द ब्लैडर, इनमें तीनों में से तीनों गैसें हो सकती हैं और वो बायोएनर्जी प्रदान करती हैं उनके लिए, जिससे कि उनमें जो लोकोमोशन है उनमें फिन को चलाने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। Therefore, it also called as gas bladder. There is a variety of air bladder in fishes.
इन फिश में वैरायटी पाई जाती है एयर ब्रेडर में, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे फाइसोस्टोमस जो एयर ब्रेडर है विद डोर्सल ओपनिंग इन एसिपेंसर, बाइफर्केटेड एयर ब्लेडर फाउंड इन पॉलिप्टेरस और बाइकेर, और डबल एयर ब्लेडर इज फाउंड इन लेपिडोसायरन एंड प्रोटोप्टेरस, कंप्लीटली क्लोज टैप एयर ब्लेडर इज फाउंड इन पर्च, कॉड, ऑडॉक एंड टोड फिश इत्यादि, इनमें पाए जाते हैं। Conclusion, conclusively हम ये कह सकते हैं, from the above account we can conclude that the bonifaces are well flourished and established group in all type of habitats of today due to their great adaptability. उनमें विभिन्न विशेष प्रकार की जो अनुकूलन क्षमता है उसके कारण वो एक well established group है आज की तारीख में जो संसार के सभी aquatic habitat में पाया जाता है। Geographical isolation including the continental drift make them so divergent that they have the highest number of species. जैसे कि अगर डिप्नोई को देखें हम, तो इनका जो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोटोप्टेरा साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, लेपिडोसायरन अमेरिका में पाई जाती है, और न्यूसेरोट्रोडस ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, तो इनका जो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है वो शायद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण ही हुआ होगा, तो जिनमें ये इतनी डाइवर्जेंस पाई जाती है। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन ऑफ डिफरेंट इकोलॉजिकल निचेज प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ जेनेटिक बैरियर बिटवीन रिलेटेड स्पीसीज ऑफ बोनिफिसेस। तो फिजियोलॉजिकल जो एडेप्टेशन है और इकोलॉजिकल जो बैरियर हैं, निचेज हैं, वो उनको इस काबिल बनाती हैं कि वो अपने आप में वो अडेप्ट हो जाएं नए वातावरण में, नई हैबिटेट में। दिस इज ऑल अबाउट द एडेप्टिव रेडिएशन इन बोनिफिसेस। थैंक यू वेरी मच।